लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर रेल मंडल प्रबंधक डीआरएम रामाश्रय पांडे सभी यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों को छठ पूजा को लेकर क्या संदेश दिया, खुद ही सुनिए। मैं रामाश्रय पांडे, मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी, रेल यात्रियों, रेल उपभोक्ताओं तथा रेल कर्मचारियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। वाराणसी मंडल पर छठ पर्व के दौरान ट्रेनों के सुचारू परिचालन के लिए तथा यात्री सुविधाओं के लगातार मॉनिटरिंग के लिए अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसमें 2400 घंटे अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त छपरा जंक्शन, सिवान जंक्शन तथा बलिया स्टेशन पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। वो लोग सेंट्रल कंट्रोल से लगातार जुड़े रहेंगे तथा वहाँ की यातायात व्यवस्था तथा यात्री सुविधाओं की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। वहाँ पर भीड़ भाड़ न हो इसका भी देखभाल करेंगे। छठ पर्व के दौरान 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक विभिन्न स्टेशनों पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जो ट्रेन पहले से निर्धारित प्लेटफॉर्म है उसी पर आएंगी। अगर किसी कारणवश किसी का प्लेटफॉर्म परिवर्तन किया जाना है तो कम से कम 15 मिनट का नोटिस दिया जाएगा। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर इसकी सूचना यात्रियों को दी जाएगी तथा वहां पर स्थित इंक्वायरी ऑफिस को भी, सहयोग को भी इसकी पूर्व सूचना दी जाएगी, जिससे कि अधिक से अधिक यात्रियों को समय से इसकी जानकारी मिल जाए। छपरा जंक्शन, सिवान जंक्शन और बलिया स्टेशन पर तथा गाजीपुर पे अधिक काउंटर खोल करके यात्रियों को समय से टिकट मिल सके बिना भीड़ भाड़ की इसकी व्यवस्था की गई है और आवश्यकता पड़ने पर और अधिक काउंटर खोले जा सकते हैं। छपरा, सिवान तथा बलिया में प्रत्येक शिफ्ट में दो दो कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है सहयोग पर लोगों को जानकारी देने के लिए, और इसमें और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तो वहाँ के स्थानीय बुकिंग कार्यालय को आदेश दिया गया है कि और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। हर स्टेशन पर पानी की सुविधा, विद्युत प्रकाश की सुविधा तथा साफ सफाई, इसका ध्यान रखने को बोला गया है। ट्रेन में पानी की आपूर्ति, साफ सफाई तथा विद्युत प्रकाश, इसकी ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर भीड़ भाड़ न हो, एफओबी पर या इंट्रेंस पर या एग्जिट पर, इसके लिए आरपीएफ को लगाया गया है कि हर जगह भीड़ को ठीक से मैनेज करें और कहीं पर अधिक भीड़ न हो। मुख्य स्टेशनों पर